हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने मुझे वोटिंग के थ्रू सजेस्ट किया कि इस सीरीज का नेक्स्ट वीडियो मुझे चेस के वर्कआउट्स पे बनाना चाहिए, तो आज हम लोग करेंगे चेस का वर्कआउट विद रेजिस्टेंस बैंड्स। और आज भी हम लोग हर वर्कआउट के करेंगे 3 सेट्स। हर सेट में वेट को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे और हर सेट के बीच में लेंगे 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट। सो गाइज, विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। चेस के वर्कआउट से पहले हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग। उसके लिए अपने एक हाथ से दीवार को या किसी पिलर को ऐसे होल्ड करें और अपनी बॉडी को आगे की तरफ 3 से 4 सेकंड के लिए पुश करें। इससे आपके चेस की मसल्स पूरी तरह स्ट्रेच हो जाती हैं। चेस का फर्स्ट वर्कआउट हम लोग करेंगे चेस्ट प्रेस, और उसके लिए मैंने स्टैक किए हैं 70 पाउंड के रेजिस्टेंस बैंड्स, और इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा डोर के मिडल में। इस वर्कआउट की स्टार्टिंग पोजिशन में दोनों आर्म्स शोल्डर के पास रहेंगे। इसमें हमें फुल रेंज ऑफ मोशन रखना है, यानी कि आगे आते वक्त पूरी तरह स्क्वीज करना है और पीछे ले जाते वक्त पूरा स्ट्रेच करना है, ताकि जो हमारे चेस्ट का मिडिल पोर्शन है वो अच्छे से कंट्रैक्ट हो सके। चेस्ट का सेकंड वर्कआउट हम लोग करेंगे इंक्लाइन प्रेस, और इसके लिए एंकर का प्लेसमेंट रहेगा लो। इस वर्कआउट में हम अपर चेस्ट को टारगेट करेंगे, और उसके लिए ध्यान रहे कि जो हमारी बॉडी है और हमारे आर्म्स हैं उनके बीच में अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री का एंगल रहना चाहिए, ताकि वर्कआउट के समय पूरा स्ट्रेन हमारे अपर चेस्ट पे रहे, ना कि हमारे शोल्डर पे। थर्ड वर्कआउट हम लोग करेंगे डिक्लाइन प्रेस, और उसके लिए एंकर का प्लेसमेंट रहेगा हाई। इस वर्कआउट में हम लोअर चेस्ट को टारगेट करेंगे। लोअर चेस्ट की मसल्स को एक्टिवेट करना, उन्हें स्टिमुलेट करना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इस वर्कआउट में पूरे फोकस के साथ लोअर चेस्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। फोर्थ वर्कआउट हम लोग करेंगे चेस्ट फ्लाइज, और इसके लिए लिया है मैंने 50 पाउंड का रेजिस्टेंस बैंड। इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा डोर के मिडल में। इस वर्कआउट में हम लोग चेस्ट के मिडिल पोर्शन को टारगेट करेंगे। इसमें भी फुल रेंज ऑफ मोशन रहेगा, यानी कि आगे आते वक्त पूरा स्क्वीज करेंगे, पीछे ले जाते वक्त पूरा स्ट्रेच करेंगे। चेस्ट का फिफ्थ वर्कआउट हम लोग करेंगे इंक्लाइन चेस्ट फ्लाइज, और इसके लिए एंकर का प्लेसमेंट रहेगा डोर के बॉटम में। इस वर्कआउट में भी हमें ध्यान रखना है कि ऊपर आते वक्त हमें पूरा स्क्वीज करना है, ताकि जो हमारे चेस्ट की अपर मसल्स हैं वो पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट हो सकें। इस वर्कआउट को थोड़ा चैलेंजिंग बनाने के लिए आप चाहें तो दोनों आर्म से एक साथ भी इस वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। चेस्ट का सिक्स्थ वर्कआउट हम लोग करेंगे डिक्लाइन चेस्ट फ्लाइज। इसके लिए स्टैक किए हैं मैंने 70 पाउंड्स के रेजिस्टेंस बैंड्स, और इसमें एंकर का प्लेसमेंट रहेगा हाई। डिक्लाइन प्रेस की तरह है, इस वर्कआउट में भी हम लोग लोअर चेस्ट को टारगेट करेंगे, तो इस वर्कआउट को भी पूरे फोकस के साथ करें, ताकि जो हमारे लोअर चेस्ट की मसल्स हैं वो पूरी तरह स्टिमुलेट हो सकें। रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए आप चाहें तो इसे ऐसे बैठ के भी परफॉर्म कर सकते हैं। चेस्ट
चेस्ट का फिनिशर वर्कआउट हम लोग करेंगे रेगुलर पुशअप्स, और उसकी करेक्ट फॉर्म के लिए अपने दोनों हाथों के बीच में कंधे के बराबर का डिस्टेंस रखें, आपकी गर्दन और पीठ एक सीध में रहेगी और आपकी बॉडी और आर्म्स के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 45 डिग्री का एंगल रहेगा। पुशअप्स को इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए नीचे आते वक्त चेस्ट को ग्राउंड से टच करने की कोशिश करें और ऊपर जाते वक्त अपने आर्म्स को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इस वर्कआउट के साथ चेस्ट का वर्कआउट फिनिश होता है और आज का वीडियो भी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।